यूनाइटेड नेशंस का एक रेफ्यूजीज का चार्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उस चार्टर पर दस्तखत किया है। हमें उस चार्टर को कबूल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और इंसानियत के तरीके से बिहेव करना। आपको लगता है सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है? डिलिमिटेशन कमीशन को एक साल का समय और बढ़ाया गया, क्या लगता है इस हिसाब से चुनाव तो अभी जल्दी नहीं लग रहे हैं? चुनाव होंगे या नहीं होंगे, हमने अपनी तैयारी करनी है। फारूक साहब, मेरे पास वक्त ही नहीं। फारूक साहब, आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बिगुल फूका और 35 लीडरों ने जम्मू से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत की है, क्या सलाह देंगे सर? वो कांग्रेसी है, कांग्रेसी था और कांग्रेसी ही रहेगा। पर जिस तरह से पीएम ने रो के उनको एक तरफ अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, उसने रो कर उसको खींचने की कोशिश नहीं की, उसने उसकी तारीफ की। जब उसने जबकि उन गुजरातियों पे हमला किया गया था, उसने उस वक्त जो इंसानियत दिखाई उस पे वजीर आजम को आंसू आए। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, मैं उम्मीद करूंगा कि और बातें चलेंगी और ये मसले हल हो जाएंगे। बात INS, extremely fearless journalism.